टौणी देवी बाजार के पास खेतों में खोले गए शराब ठेके के विरोध में ग्रामीणों ने रोष प्रदर्शन किया तथा सांकेतिक धरना दिया। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए ठेके को खेतों से हटाया जाए व किसी और स्थान पर खोला जाए जहां लोगों को आपत्ति ना हो। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि एक सप्ताह के भीतर ठेके को ना हटाया गया तो आंदोलन तेज कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। टौणी देवी से बीडीसी सदस्य प्रेमलता ठाकुर, पंचायत प्रधान बबीता चौहान व वार्ड सदस्य ललिता देवी की अगुवाई में महिलाओं ने रोष प्रदर्शन किया। पंचायत व ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। मौके की गंभीरता को देखते हुए एएसपी ठाकुर बलवीर सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे व लोगों को समझाने का प्रयास किया, जिस पर उन्हें वह जगह दिखाई गई जहां ठेका खोला गया है। मक्की के खेतों के बीच तीन नुमा शेड में शराब के ठेके को खोला गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह जिला प्रशासन को जनता की मांग से अवगत करवाएंगे। खेतों में शराब का ठेका सुरक्षित जगह पर नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि शराब का ठेका एकांत में खेतों में खोला गया है, जहां पर अक्सर महिलाओं को खेतीबाड़ी के काम के लिए आना जाना पड़ता है, जो कि सही नहीं है। उन्होंने एटीसी द्वारा ठेके का स्थान चिन्हित करने से पूर्व स्थानीय पंचायत को विश्वास में न लिए जाने पर खेद व्यक्त किया और इसी वजह से यह विवाद उत्पन्न हुआ है। गौरतलब है कि इससे पहले भी ग्रामीण ठेके का विरोध कर चुके हैं तथा प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके हैं। इसके बावजूद फिर ठेके को खेतों में शुरू किया गया है, जिसे लेकर फिर से ग्रामीण उग्र हो गए हैं। ठेका खुलने के बाद पहली ही रात को शराबियों का जोरदार हुड़दंग हुआ, जिसमें आसपास रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और खेत व खाली स्थान पर शराबियों का अड्डा बनने लगे हैं। इस अवसर पर उप प्रधान राजीव, महिला मंडल चित्रैल की प्रधान व सदस्य सहित रावण राम, जगदीश चंद, विजय बहल, बलवीर सिंह, प्रकाश चंद, अमरनाथ, पुरुषोत्तम सिंह सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे।